दोस्तों, महाभारत में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। महाभारत भगवान कृष्ण से शुरू हुआ और भगवान श्री कृष्ण पर ही खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पड़े बड़े और द्वारका में शासन किया, जो कि सात पुरियों में से एक है और चार धाम में से एक धाम है। द्वारका में भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी। उनके नाम है रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, जिनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियों थे। लेकिन उनके एक पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। क्या आप जानते हैं इस विवाह के बारे में? दोस्तों, भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांब था, जो भगवान कृष्ण की तरह 16 कलाओं से संपन्न था। उनके इसी पुत्र के कारण भगवान कृष्ण के कुल का अंत हो गया था। दरअसल महाभारत के अनुसार सांब का दिन दुर्योधन और भानुमती के पुत्र लक्ष्मणा पर आ गया था और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से बिल्कुल नहीं कराना चाहता था, इसलिए सांब और लक्ष्मणा ने गंधार विवाह कर लिया। उसके बाद सांब ने लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठा कर ले जाने लगा। जब विवाह की बात कौरवों को पता चली तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर की पूरी सेना के साथ उन पर धावा बोल दिया। हस्तिनापुर की सेना के साथ सांब अकेले मुकाबला करने लगा, लेकिन विशाल सेना तक का वो कब तक सामना करता। सांब को हार का सामना करना पड़ा और कौरवों ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब द्वारिका में कौरवों द्वारा सांब के बंदी की जानकारी मिली, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। वहां जाकर बलराम शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सांब को छोड़ दिया जाए और कुलवधु को साथ में ले जाने दिया जाए। कौरवों ने बलराम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इससे बलराम को क्रोध आ गया और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कौरवों को चेताया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो पूरी हस्तिनापुर को गंगा में प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन कौरव तब भी नहीं माने तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर पर प्रहार किया और खींचकर गंगा जी डूबने के लिए चल पड़े। बलराम के प्रहार से पूरी हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कौरव भी बलराम के इस रूप को देखकर डर गए और माफी मांगने लगे और उनकी सभी बातों के लिए हाँ कर दी। बलराम ने कौरव को माफ कर दिया और कौरवों ने बलराम के साथ सांब और लक्ष्मणा को द्वारका भेज दिया। द्वारका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। क्या ये बात आपको पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।